वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है 6:30 और आज डेट है 16 तारीख। यस, और आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चैनल पे जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। सो अब बात करते हैं आज के दिन की। तो यहाँ आज मैंने हेयर वॉश करके बाल धोया है अपना और मैंने नहा लिया। मैं जा रही हूँ नीचे, चाय वाय बनाऊँगी, फिर चाय वाय पियेंगे उसके बाद। तो या आज हमारे घर में शादी है, मतलब इस घर में नहीं है, पुराने वाले घर में है जो गांव पे है। और मे भी शायद हम लोग जाएँ सब लोग, मतलब शायद क्या जाएंगे ही। मम्मी जी तो सुबह ही चली जाएंगी, मैं तो मतलब थोड़ा बाद में जाऊंगी, थोड़ा बहुत मुझे कुछ काम भी था तो मैं लेट से जाऊंगी। सो जितना हो सके उतना दिखाने की कोशिश करूँगी। मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी और मैं रिकॉर्ड ज़्यादा क्या मुझे तो लगता नहीं कि मैं कर भी पाऊँगी, बट फिर भी आई विल ट्राई, मैं अपनी ट्राई करूँगी, मैं कोशिश करूँगी। तो चलिए देखते हैं कितना क्या हो पाता है क्या नहीं हो पाता है। तो व्लॉग में बने रहिएगा। सो चलिए, तो गाइस मेरा खाना वाना सब बन के रेडी हो गया है। तो कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है सुबह से ही, नॉन स्टॉप बारिश हो रही है नॉन स्टॉप। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़े अपने कपड़े वपड़े निकाल के रख लूँ, लाइट ऑन कर देती हूँ, कपड़े वपड़े मैं अपने निकाल लेती हूँ अभी से ही, सारा सामान कर लेती हूँ क्योंकि लाइट भी थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। तो करते हैं कैमरे को कहीं सेट और देखते हैं कपड़े वपड़े निकालते हैं क्या करते हैं। कहाँ हो जी, वहाँ क्या कर रही हो? कपड़ा निकाल रहे हैं। सुबह से बोल रहे हैं मेरा कपड़ा निकाल दो। कौन सा पहनेंगे आप बता ही नहीं रहे, हम तो अपना निकाल ही रहे हैं। निकालो ना वाइट वाला सर। अच्छा, वो डब्बे में होगा। आपको वहाँ की ब्लॉगिंग आप ही को करनी है? कहाँ की ब्लॉगिंग, वहाँ हम ब्लॉगर थोड़ी हैं कि ब्लॉगिंग करेंगे। गाइस मैंने इनसे बोला कि आप वहाँ की ब्लॉगिंग करनी है तो ये साफ साफ नमस्ते, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, प्लीज़ आप ही को करना है वहाँ का। ठीक है, क्या पहनेंगे बताइए। शर्ट निकालो वाइट वाला। सो गाइस इट्स 4:00 और मैं इतनी ज़्यादा लेट हूँ, मैं इतनी ज़्यादा लेट हूँ कि मैं बता भी नहीं सकती मैं कितनी ज़्यादा लेट हूँ। सो अभी बात करने का टाइम नहीं बिल्कुल भी और मुझे इस बीच ब्लॉगिंग भी करनी है, चाहे कितना भी लेट है। मैंने सोचा कि ब्लॉगिंग करते चलेंगे, चाहे जैसे भी वीडियो बने, बनानी है तो बस बनानी है। सो मैं फिलहाल कैमरे को सेट कर देती हूँ, जहाँ मैं काम भी करती रहूँगी और मैं बात भी करती रहूँगी। आई मीन मैं इतनी ज़्यादा हड़बड़ी में हूँ कि मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रही हूँ। सो चलिए फटाफट से कैमरे ओपन कर देते हैं सेट। और पहले तो मैं चूड़ियाँ चेंज करूँ अपना, पहले मैं चूड़ी वगैरह पहनूँ। तो मैं सोच रही हूँ पहले मैं चूड़ा ही पहन लेती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं है ना मेरे पास, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं सेट वेट लगाने से अच्छा कि मैं डायरेक्ट चूड़ा ही पहन लेती हूँ, सब पे चल जाता है। सो लोशन दीजिए ना। हाँ। उसी में है, नहीं है, है किसी में, उतर नहीं रहा चूड़ी। तो गाइस मैं पसीने से लत पत होते हुए तैयार हो ही गई हूँ जैसे तैसे। हाँ तैयार तो तू हो ही गई, हम तैयार बन देख लो। ये भी अपना गमछा हम लपेट के हैं, ये भी तैयार हो के आएंगे, मतलब वहीं पर डायरेक्ट मिलेंगे हम लोगों को। और मैं तैयार होके नहीं जा रही, मैं भी मुझे भी जाके कपड़े चेंज करने हैं, बट मैंने जैसे तैसे हो गई हूँ। मैं अपना बैग वैग मैंने पैक कर लिया, मुझे जाके दोबारा से वहाँ पे तैयार होना है। मैंने कुछ तैयार तो हुआ नहीं, बस ऐसे ही फेस वॉश करके ऐसे बस लिपस्टिक लगा ली, बिंदी लगा ली, हो गई डन, वहाँ जाके जो करना हो करती रहूँगी। सो बस अब मेरे बाल अभी तक गीले हैं, सूखे भी नहीं है, मैंने आज हेयर वॉश किया था सुबह ही, अभी तक वैसे ही गीले हैं। तो चलिए बस अब वहाँ जाके मुलाकात होती है आप लोगों से। तो मैं यहाँ घर पहुँच चुकी थी और घर पहुँचने के बाद ये मतलब ये मेरी ननद ही लगती हैं घर की, तो यहाँ ही बोली कि भाभी मेरे बाल स्ट्रेट कर दीजिए, तो फिर मैं इनके बाल स्ट्रेट करने लगी। और यहाँ पे मम्मी जी भी आ रही थी, यहाँ पे मम्मी जी भी हैं साथ में और काजल भी बगल में खड़ी हैं, वो भी मेरी ननद ही लगती हैं। तो फिर मैंने उनका हेयर स्ट्रेटनिंग कम्प्लीट कर दिया, फिर मैं इनका करने लगी क्योंकि जल्दी जल्दी सबको करना था, क्योंकि सबको भी लेट हो रहा था, ऑलरेडी मैं इतना लेट गई थी। गाइस मैं यहाँ आ गई हूँ और रेडी होने जा रही हूँ, मैं जस्ट अभी फेस वॉश करके आई हूँ और अपने लाइट चली गई, मैं जा रही हूँ तैयार होने। मैं अपना हेयर स्टाइल बनाने की कोशिश कर रही हूँ, मे बी शायद मुझसे बन नहीं रहा है, पर लाइट आ रही है जा रही है, सुबह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है बारिश की, मैं दिख रही हूँ आप लोगों को। तो चलिए मैं हेयर स्टाइल वगैरह बना लूँ, रेडी हो लूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। जाऊँगा भाई ना ए,
नहीं नहीं हमको खिंचवाना नहीं, नहीं नहीं खिंचवाना नहीं था, बस ऐसे ही YouTube। और यहाँ पे सारा फंक्शन हो गया था कंप्लीट, सब लोग घर की ओर जा रहे थे, मैं यहाँ उतर रही थी, आगे मम्मी जी थी, चाची जी थी, तो सब लोग उतर रहे थे और फिर हम लोग जा रहे थे अब घर की तरफ। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:30 और मैं अभी सुबह पहले, मतलब टाइम हो गया थोड़ी देर पहले, मैं सो के उठी हूँ और जा रही हूँ ब्रश करने दांतों से। मेरा दांतों यही रखा है और जब से पहले फटाफट ब्रश कर लीजिए, मुझे यहाँ से जाना भी है अपने घर, से मैं ब्रश वगैरह कर लूँ, चाय वाय पी लूँ, उसके बाद फिर मैं एक लोग में भी शायद वहीं जाके मुलाकात हो या फिर यहाँ फिर मिल लें, तो देखिए क्या होता है। दीदी वीडियो बन रहा है, अच्छा लगता है, कुछ कहना चाहोगे? सो गाइज, आई एम बैक, घर आ गए हम लोग। मैंने कहा था नहीं, जैसे मैंने कहा था मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी क्योंकि नहीं कर पाऊँगी, तो पापा जी घर थोड़ा बहुत तो हुआ है, तो पापा जी घर ही पे हैं, तो इसलिए उनके लिए मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना था, तो कोई था नहीं घर पे, तो मम्मी जी आराम से आएंगी, तो ये मुझे ले के आए हैं। हमने तो पहली बार ऐसी शादी अटेंड करी, आपने ऐसी बारिश में भींग के शादी अटेंड करी इससे पहले कोई? बारिश में कहाँ भींगे थे, मैंने जो में बारिश में भींगे थे नहीं भींगे थे, लेकिन फिर भी ऐसे भीग भी के तो गए थे ना, कितना कीचड़ पानी, हाँ भीग के तो गए थे, कितना पानी लगा हुआ था। माय गॉड, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस, पर जैसे भी था मज़ा बहुत आया हमको। तो गाइस इतनी अच्छी अच्छी मेमोरीज थी, इतनी अच्छी अच्छी, बट ये था ना कि अब मैं मतलब मैं सेकेंड टाइम ही घर गई हूँ और बहू, अब अच्छा नहीं लगता ना कि हर टाइम कैमरा हाथ में लेके मैं रिकॉर्ड करती रहूँ, तो जितने हो सके रिकॉर्ड नहीं करी है, बस हाँ फोटोज़ बहुत हैं, फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा हैं और बहुत सारे लोगों ने फ़ोटोज़ क्लिक करी, तो मैं सारी फ़ोटोज़ इसमें ऐड कर दूँगी, आप लोग फ़ोटोज़ देख लीजिएगा। वीडियोज़ मैं ज़्यादा नहीं बना पाई और मैं किसी को कह भी नहीं पा रही थी कि आप मेरी वीडियो बना लो या फिर कुछ वीडियो बना लो, अच्छा भी नहीं लगता। फ़ोटोज़ हाँ फ़ोटोज़ ही दिखा दूँगी, फ़ोटोज़ ही डाल दूँगी। सो गाइज, बस अब कर देते वीडियो को यहीं एंड। अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया, वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, आई लव यू ऑल। और हाँ, मैं फ़ोटोज़ डाल दूँगी, आप लोग फ़ोटोज़ देख लीजिएगा, उसके बाद ही वीडियोज़ एंड कर दीजिएगा। सो बाय।